अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम बैक आप सब लोगों का एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत खुशामदीद। तो फिर आज हमारा प्लान बनाया है अलीगढ़ फिशरी पे जाने का, और वहाँ पे हम जाएंगे, कश्तियाँ देखेंगे और वहाँ पे व्लॉगिंग करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सो विल बी हैव लॉट ऑफ फन देयर और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो चल के देखते हैं। राइट साइड पे जो आपको दरगाह नज़र आ रहा है, ये दरगाह चश्मा पीर के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस एरिए का नाम चश्मा गोट है इस दरगाह की वजह से, तो इसलिए ये चश्मा पीर के नाम से मशहूर है। अपने लोकेशन पर पहुंचने पर हमको पता चला कि यहाँ पर किसी फिल्म, ड्रामे या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चल रही है, जो कि पुराने ज़माने के इजिप्शियन दौर के लोगों को शूट किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि लोगों को अरबी लिबास के जुब्बे टाइप पहने हुए हैं और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्रू मेम्बर सब मौजूद थे, तो इसलिए हमें अंदर एंट्री नहीं हुई, तो ये हमारे लिए अफसोस रहता। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं। दूसरी लोकेशन पर पहुंचकर हमने देखा कि पानी काफ़ी नीचे उतर चुका था, और पानी तक पहुंचने के लिए हमें कीचड़ से होकर पानी तक जाना पड़ता था। हालांकि दूसरे फैमिलीज़ वहां तक जा रहे थे कीचड़ से होते हुए, बच्चे कुछ लेडीज़ भी वहां तक जा रहे थे, लेकिन हमने वहां जाना मुनासिब नहीं सोचा। तो हमने सोचा कि हम किसी दूसरे ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पानी करीब हो और हम पानी को इन्जॉय कर सकें, तो इसलिए हमने रुख किया किसी दूसरे तरफ। लो जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी हमें बहुत करीब मिला, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी था और बहुत सारी कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी भी थी। उनमें से कुछ कश्तियाँ ऐसी थी जो कि अनकरीब आज या कल में शिकार के लिए जाने वाले थे, और बहुत सारी कश्तियाँ ऐसी थी जो ऑलरेडी शिकार करके आ चुके थे। अभी जिस कश्ती की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हो इस कश्ती को, ये कश्ती अभी अभी शिकार करके आई हुई थी, और ये इसके अंदर जितने भी मछलियाँ वगैरह थे वो सब मछलियाँ अपने कस्टमर्स को दे रहे थे, और इसी कश्ती से हमने कुछ मछलियाँ ली भी थी इन लोगों से।
जी तो सैर व तफरी करने के बाद रात होने वाली थी, तो हमने सोचा कि उससे पहले कि रात हो हम लोग घर के लिए निकल जाए। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इन पहाड़ों के ऊपर ही घर था, तो हम घर के लिए निकल गए। तो ये वो मछली थी जो कश्ती वाले मछेरों ने मुझे मछली दिया था। इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो इसके नाम का ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।